नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर जनपद के तहसील सभागार में पत्रकार विकास परिषद संगठन के सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आसिफ अली व राष्ट्रीय सचिव श्री डी के मिश्रा स्वागत सम्मान में नगर के सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की बहनों ने प्रधानाचार्य श्री राज कपूर सिंह व श्री शिव सागर सिंह की देखरेख में अपने विद्यालय के बैंड घोष का प्रदर्शन करके सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से प्रदेश के कई जनपदों से आए अतिथियों का मन मोह लिया था, जिससे संगठन के जिलाध्यक्ष संजय पटेल व उनकी पत्नी और समाज सेवी श्रीमती शोभा अग्रवाल के माध्यम से छात्राओं को प्रशस्ति पत्र ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बहनों के साथ साथ विद्यालय के प्रबंधक श्री राकेश त्रिवेदी जी, प्रधानाचार्य श्री राज कपूर सिंह और श्री शिव सागर सिंह भी प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जहां विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राज कपूर सिंह और श्री शिव सागर सिंह जी ने भी संगठन के जिलाध्यक्ष श्री संजय पटेल जी, तहसील अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा को भी शाल भेंट करके सम्मान किया और साथ ही विद्यालय की बहन नीलम जी ने श्रीमती शोभा अग्रवाल व संजय पटेल जी की पत्नी को शाल भेंट करके सम्मान किया। पत्रकार विकास परिषद संगठन के जिलाध्यक्ष संजय पटेल ने सहयोग के लिए विद्यालय परिवार को धन्यवाद दिया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राज कपूर सिंह ने भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आसिफ अली और राष्ट्रीय सचिव श्री डी.के. मिश्रा व फतेहपुर जनपद की पत्रकार विकास परिषद टीम को अपनी शुभकामना व बधाई दी। उक्त कार्यक्रम में PVP संगठन के जिलाध्यक्ष संजय पटेल, उनकी पत्नी समाज सेविका श्रीमती शोभा अग्रवाल, विनोद वर्मा, संतोष मौर्य, अनिल कुमार केसरवानी, सुरेश चंद्र, ब्रजेश कुमार, सूर्य प्रकाश त्रिवेदी, सूरज बली सिंह आदि मौजूद रहे। आप लोगों को बताते चलें कि खागा कस्बे के हाईवे ऊसाई राम रेस्टोरेंट से नौबस्ता रोड बस स्टॉप GT रोड चौक से लेकर किशनपुर रोड स्थित तहसील प्रांगण मीटिंग हॉल के लिए जुलूस ड्रोन कमरे की निगरानी में जो एक ऐतिहासिक जुलूस देखने को मिला, जिसमें शासनिक और प्रशासनिक सहयोग बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें खागा उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह और खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी गया प्रसाद मिश्र जी पुलिस बल के साथ जुलूस में पैदल चलकर सहयोग करते रहे और जैसे खागा तहसील गेट पर जुलूस पहुंचा कि सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह और शिव सागर सिंह अपने विद्यालय की छात्राओं द्वारा घोषित टीम की बहनों द्वारा पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली और राष्ट्रीय सचिव डी.के. मिश्र और अन्य जिलों से आए लोगों का भव्य स्वागत किया। और यही नहीं, सभागार में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से किया गया और वही पत्रकार विकास परिषद फतेहपुर टीम द्वारा आए हुए अतिथियों को 21 किलो के फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया गया। आइए सुने क्या कहा समाज सेवी शोभा अग्रवाल, पत्रकार विकास परिषद फतेहपुर जिलाध्यक्ष संजय पटेल और सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट, उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर से। आप लोग बहुत छोटे हैं, शायद आपका जन्म न हुआ होगा। विकास परिषद के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, आप सभी का इस बावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तालियां बजाते। सुनिए
इधर से फोटो लेते हमारे जवान साथी लगे होते हैं, निश्चित रूप से आज अवसर है कि उनका भी सम्मान हो। कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ हमारी बालिकाएं न हो, और हम जो आज यही प्रॉब्लम नहीं बन रहे हैं। पहले की माताएं अशिक्षित हुआ करती थी, तो बेटी बेटी को बड़ा फर्क किया करती थी। आजकल हर बेटी शिक्षित हो गई है, तो बेटी बेटे में फर्क देखना खत्म कर दिया है, और बालिकाओं को बालकों से ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। पहले था कि अगर बेटा पैदा हुआ तो कहते थे घर का चिराग पैदा हुआ, बिल्कुल दीपक है। आज जब बेटी पैदा होती है तो बेटी दो घर का दीपक है, दो घर का। यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और अपने दूसरे मिश्रा जी को भी मैं यहाँ से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सपना यादव, तालियां बजाते। अगले क्रम में हमारे बीच में अगले क्रम में जो सबको सम्मानित कर रहे हैं, अपने छोटे भाई संजय भाई को मैं स्वयं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहता हूँ। प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई कल्टीवेशन एंड मैन बाई।